जडेजा राहुल ने दम दिखाया। पहले वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। जीरो से हीरो बन गए केएल राहुल। जडेजा ने भी कर दी तूफानी वापसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 वनडे मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया के लिए यह मैच जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने भारतीय टीम को बुरी तरह से फंसा दिया था। क्या विराट कोहली, क्या सूर्य कुमार यादव और क्या ईशान किशन, ये तीनों ही जल्दी जल्दी आउट हो गए और टीम इंडिया पर दबाव बना गए। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने एक दमदार पारी खेलकर टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया। राहुल ने इस मैच में बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई और वो इस पारी के साथ ही जीरो से हीरो बन गए। इससे पहले राहुल को उनके खराब प्रदर्शन की वजह से टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उनसे टेस्ट टीम की वाइस कैप्टनसी भी छीन ली गई थी। राहुल ने वानखेड़े में अपनी इस दमदार पारी से सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। इस मुकाबले में राहुल ने 91 गेंदों का सामना करते हुए नॉट आउट 75 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और एक दमदार छक्का भी निकला। ऑस्ट्रेलिया की जीत में रोड़ा बने राहुल और जडेजा। 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया मुश्किलों में फंस गई थी, क्योंकि भारतीय टीम के 4 विकेट सिर्फ और सिर्फ 39 रन पर ही गिर गए थे। क्या ईशान किशन, क्या विराट कोहली, क्या सूर्य कुमार यादव और क्या शुभमन गिल कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया और इन चारों ने टीम इंडिया को मुश्किलों में फंसाया। लेकिन इसके बाद पांड्या और राहुल के बीच एक साझेदारी देखने को मिली, लेकिन फिर 25 रन बनाकर पांड्या भी आउट हो गए। राहुल ने तो इस जीत में अहम किरदार निभाया ही, लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी इस मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए वनडे क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की। जडेजा ने पहले गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाए और मार्नस लाबुशेन का बेहतरीन कैच पकड़ा और फिर जब बात बल्लेबाजी की आई तो जडेजा ने बल्ले से भी दम दिखाया और कंगारुओं का पसीना छुड़ाया। पहले वनडे मैच में जडेजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए बल्ले से 45 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इसके अलावा उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए और अपनी इस पारी में जडेजा ने 5 चौके लगाए और एक बेहतरीन कैच भी पकड़ा। कोहली सूर्या ने फंसाया, जडेजा राहुल ने मैच जिताया। 188 रन पर ऑल आउट होने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के भी होश उड़ा दिए थे। खास तौर पर लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का कहर देखने को मिला। स्टार्क ने अपने पहले ही स्पेल में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के तौर पर 3 बड़े विकेट चटका दिए। कोहली और सूर्या तो लगातार 2 गेंदों पर LBW आउट हो गए थे। 11वें ओवर तक भारत ने सिर्फ 39 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे और मिचेल स्टार्क के स्पेल ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी थी। जडेजा राहुल ने दिलाई जीत। कप्तान हार्दिक पांड्या ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने 44 रनों की साझेदारी भी की, लेकिन 20वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने पांड्या का काम तमाम कर दिया। हालांकि जब पांड्या आउट हुए तो टीम इंडिया का स्कोर था 85 रन और भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। अभी भी टीम इंडिया मुश्किलों में फंसी हुई थी, लेकिन फिर आए रविंद्र जडेजा। यहां से केएल राहुल को रविंद्र जडेजा का साथ मिला। पहले दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे जीत के करीब पहुंचे। इसी बीच केएल राहुल ने वनडे क्रिकेट में अपना 13वां अर्धशतक पूरा किया। 40वें ओवर में जडेजा ने 2 चौके जमा कर टीम इंडिया को जीत दिला दी। राहुल और जडेजा के बीच 108 रनों की साझेदारी हुई और इस अहम साझेदारी ने भारतीय टीम को पहले वनडे मैच में जीत दिलाई और भारतीय टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दोस्तों, टीम इंडिया ने सीरीज का पहला वनडे मैच तो जीत लिया है, अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 मार्च को खेला जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया दूसरे मुकाबले को जीत पाएगी? क्या टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में ही सीरीज अपने नाम कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।